आ जाओ, यह है बटरफ्लाई पटाखा, तो इसको भी जलाएंगे। ये कुछ यूनिक सा लगा तो चलो मार्केट से मैं ले लिया। तो गाइस अभी हमारे पास है सिर्फ इतना ही पटाखा, इन सारे को टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे और अभी प्राइस भी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, ये बिग हाइड्रोफॉइल है और ये बड़ा वाला ग्रीन सुतली बम है। ये जो ग्रीन सुतली बम है ना, ये 14 का आता है और ये वाला भी 14 का आता है, और ये छोटा वाला है तो ये 7 का आता है और ये वाला भी 7 का आता है। यहाँ पर उससे भी छोटा ग्रीन सुतली बम है, ये 3 रुपये का पर पीस के हिसाब से आता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कैट पटाखा, पता नहीं ये कैसा है, ये 10 रुपये के हिसाब से आता है। और यहाँ पर ये मैजिक फाउंटेन है, ये 20 रुपये का आता है। और ये वाला जो पटाखा है ना, ये वाला चक्री छोटा वाला है और ये बड़ा वाला चक्री, ये 75 सेंटीमीटर वाला है और ये 45 सेंटीमीटर वाला है। ये वाला जो चक्री है ना, ये 20 रुपये के हिसाब से आता है, हम लोगों को पैकेट में आया है तो। और ये 20 रुपये का आता है, ये 15 रुपये का आया है। उसके बाद यहाँ पर यह है चुटपुट पटाखा और ये मिस्टर बीन वाला पटाखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 रुपये का मिल जाता है पर पीस के हिसाब से। उसके बाद ये है डिजिटल बम, ये 20 रुपये एक पीस का आता है, तो इसका आवाज बहुत ही तगड़ा होता है, इसको भी हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा पॉपअप और ये है बड़ा पॉपअप, छोटे बम वाला बड़ा पॉपअप, तो इन दोनों को हम फोड़ कर दिखाएंगे किसका आवाज ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यह है बटरफ्लाई पटाखा, तो इसको भी जलाएंगे। ये कुछ यूनिक सा लगा तो चलो मार्केट से मैं ले लिया, तो आपको भी इसे जलाकर दिखाऊंगा ये किस तरीके से जलता है। और ये है वंडर थ्रो पटाखा और ये पता नहीं कैसा है, तो इसको मैं जलाकर आपको दिखाऊंगा पर पीस। यहाँ जो पैकेट आता है, ये एक पैकेट 20 रुपये का आता है और ये भी 20 रुपये का, 40 रुपये का दोनों लिया है मैंने। और यहाँ पर उसके बाद छोटे स्पार्कल है, ये 15 रुपये के हिसाब से हमें मिला है मार्केट के अंदर, तो इसे भी मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद ये हाई आई पटाखा है, ये काफ़ी अलग सा पटाखा है, तो इसको भी हम जलाकर दिखाएंगे। एक पीस का 30 रुपये आता है, तो तीनों का हमें 90 रुपये का पैकेट मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ गाइस, ये है बड़ा स्कैश और ये 250 रुपये का आया है, तो भाई मैंने इसे भी ऐड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये विस्लिंग रॉकेट है और ये छोटा मीडियम वाला जो आता है नॉर्मल सा वो वाला रॉकेट है, तो इन दोनों को भी जलाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है, तो देखते हैं सारे का टेस्टिंग कितना जोरदार होता है। तो इस टेस्टिंग का पहला पटाखा होने वाला है हाई हाई पटाखा, चलो गाइस इसे लेकर चलते हैं और ये किस तरीके से जलता है वो मैं दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर फ्यूज है आग लगाने वाला, तो चलो लगाते हैं। अबे साले गाइस इसमें आग लगाया लेकिन ये तो जला ही नहीं, इसको रखते हैं साइड में, यहाँ पर देखो इसमें लगाते आग। तो गाइस बस वाली पटाखे जो है वो बहुत ही अच्छा जला यार। चलो अब दूसरी पटाखा लेते हैं, इसके अंदर जो क्रैकलिंग आ रहा था ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा था। सेकंड हम लेते हैं बटरफ्लाई, ये तो बनीता कंपनी का और ये भी बनीता कंपनी का ही था, तो चलो गाइस बटरफ्लाई को देखते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर लिया, गाइस ये ड्रोन पटाखे की तरह उड़ते हुए चला गया, तो यार मजा तो बहुत ही ज्यादा आया। तो गाइस अब लेते हैं बड़ा वाला बिस्लिंग रॉकेट और साथ ही साथ नॉर्मल वाला पटाखा और दोनों को एक साथ ही जलाते हैं। तो पहले हम छोटे वाले को जलाएंगे, तो लगाते हैं इसके अंदर आग। छोटा वाला तो यार छत के ऊपर ही आ गया, अब लगाते हैं बड़े वाले में डायरेक्ट से आग। तो गाइस बड़ा वाला जो बिस्लिंग रॉकेट था वो बहुत ही मजे से जला। गाइस अब लिया हमने यहाँ पर चुटपुट पटाखा, चलो इसे जला कर देखते हैं। तो गाइस ये 5 रुपये का पटाखा था, क्या ही जलेगा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस अगला पटाखा है यहाँ पर स्पार्कल, ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा मजेदार होता है, तो यहाँ पर 3-4 एक साथ ही जलाते हैं। गाइस आप लोग 3-4 एक साथ मत जलाना यार, बहुत ही तगड़ा इसके अंदर से फ्लैम आता है और हाथ जल जाएगा आपका। जली ना तेरी भी जली ना। गाइस अब जलने वाली है बहुत ही दमदार पटाखा, यहाँ पर बड़ा ग्रीन सुतली, यहाँ पर छोटा ग्रीन सुतली। तो गाइस यहाँ पर पहले लगाएंगे छोटे वाले में आग। तो गाइस यकीनन ग्रीन बम का जो मुकाबला है वो कोई बम नहीं कर सकता, लेकिन भाई कंपेयर करने के लिए यहाँ पर डिजिटल बम है, चलो इसका आवाज देखते हैं क्या। आग लग चुकी है, भागो।
तो गाइस मैंने जैसा कि बोला ना, ग्रीन बम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसका आवाज भी ग्रीन बम जितना नहीं था। बात तो सही है। अरे गाइस अब आएगा मजा, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है बिग साइज स्काई शॉट, अब आएगा तगड़ा वाला मजा। और चलो गाइस इसे जला कर देखते हैं इसका आवाज वास्तव में कितना तगड़ा होता है। तो गाइस आग लगाते हैं। अब देखते हैं टॉयलेट सीट का क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर हम फटाफट से इन सारे को मिक्स कर लेते हैं। और भाई इतने सारे पटाखे मैंने लाइफ के अंदर किसी टॉयलेट सीट के अंदर तो कभी नहीं फोड़ा था भाई, ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो चलो गाइस फटाफट से इसे मिक्स करते हो, करते हैं धमाका। मैं तो इस धमाके के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तू समझा? हाँ। और गाइस इन दोनों को एक साथ ही टॉयलेट सीट के अंदर डालते हैं और फिर दोनों में एक साथ ही आग लगेगी। तो यहाँ पर गाइस लगभग मिक्स हो चुका है और अच्छे तरीके से कर देते हैं। यहाँ पर हमने दोनों बिजली क्रैकर को आपस में मिक्स कर दिया और भाई दोनों साउंड में बहुत ही तगड़ा है। अब देखते हैं बाथरूम सीट का क्या हाल हो पाता है। ठीक है, काफी इंतजार के बाद फाइनली यहाँ पर हमने टॉयलेट सीट के अंदर देखो भाई कितने सारे मिनी ब्लेड लगा दिए। अब करना है डायरेक्ट इसी धमाका। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर करते हैं। तो चलो गाइस बिना देरी किए धमाके की तैयारी शुरू करते हैं और फटाफट से इसमें आग लगा ही देते हैं। हमने इस कमोड के अंदर देखो भाई सारे पटाखे जो है वो डाल दिया है। अब करना है डायरेक्टली धमाका। लेकिन भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, अच्छा। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऊपर से गाइस यहाँ पर देखो ये सारे जो पटाखे ये मिक्स पटाखे है। तो चलो गाइस फटाफट से आग लगा ही देते हैं और देखते हैं धमाका कितना तगड़ा होता है। गज फाइनली मिशन सक्सेस।